फ्रेंड्स, ये है मेरी प्यारी सी बच्ची, मेरी प्यारी सी बच्ची शीरो। फ्रेंड्स, ये मैंने अभी अभी रेडी किया है। चाय है हमारी, ब्रेड पकोड़ा है और ब्रेड पकोड़े की चटनी, तीनों चीज़ें मैंने वीडियो बनाते बनाते 15 मिनट में ही बना ली है। फ्रेंड्स, की पुदीने की चटनी पूरी तरीके से हमारी बन के रेडी है। अभी बेबी हाउस ब्रेड पकोड़ा वेरी गुड, जिस तरीके से खा रहे हैं आप देख सकते हैं कि जरूर बहुत पसंद आ रहा होगा इनको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। ये कर रहे हैं काम, काम से समथिंग इज इन हिंदी ओनली नथिंग। सो ये कर रहे हैं काम। कितने बजे उठे तुम? इनकी शक्ल देखो गौर से, झूठ बोल रहा है ये इंसान। ये उठे 9 बजने में, जब 5 मिनट थे तब उठे हैं ये। और उसके बाद क्या कर रहे थे? जल्दी जल्दी ब्रश किया और काम करने के लिए आके बैठ गए यहाँ पे। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इनका। Something else. What do you want for breakfast? I want biryani. Breakfast. Who eats biryani for breakfast? So friends, ये है मेरी प्यारी सी बच्ची, मेरी प्यारी सी बच्ची शीरो, मेरा बेटा। धूप बहुत अच्छी है आज, अच्छी धूप हो रही है। रास्ते में जो मिलो तो हाथ छुड़ाने मत जाना, साथ जो खोई जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े। ये मेरे आलू हैं जो बॉईल होने के लिए बॉईल हो रहे हैं, और ये बेसन है। बेसन मैंने लिया है एक बड़ा बाउल। तीनों चीज़ें मैंने वीडियो बनाते बनाते 15 मिनट में ही बना ली है। जिस तरीके से खा रहे हैं आप देख सकते हैं कि जरूर बहुत पसंद आ रहा होगा इनको। और ये जेन्युइन रिव्यू है, मैंने बिल्कुल भी इनको दूसरी बार नहीं पूछा, मैं सीधा किचन से निकल के आई। मुझे फीडबैक इसलिए देना था। पीछे आया इनकी। मेरा बेटा कहाँ है?
शीरो शीरो पता है बॉइल करना होता है, इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट यूज़ करते हैं। मैं ब्लैक पेपर डालती हूँ, अदरवाइज हम ब्लैक पेपर भी नहीं यूज़ करते हैं। तो ये शीरो के लिए बनता है हमारा। तो फ्रेंड्स आप कहेंगे ये थोड़ा सा खाने के लिए मैंने शीरो के लिए कम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये शीरो है ना वो बहुत चूज़ी करता है। अगर वो इसको थोड़ा सा खाएगा तो मैं उसको और दूंगी, नहीं तो ये खाना ऐसे भी हो सकता है कि पूरा दिन पड़ा रहे और वेस्ट हो जाए क्योंकि हम बचा हुआ खाना उसको दोबारा नहीं देते हैं। अगर ये खाना 2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा पड़ा रहेगा तो रात को शीरो को फ्रेश खाना मिलेगा, ये खाना उसको दोबारा नहीं मिलेगा, ये जाएगा हमारे डस्टबिन में। तो इसलिए शीरो को पहले मैं कम देकर ट्राई करती हूँ। जब वो रात को वॉक करके आता है तो कन्फर्म है कि वो खाएगा, बट अभी उसकी चॉइस है कि वो इसको खाता है कि नहीं खाता है, इसलिए पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ इसको थोड़ा सा देखिए। अगर उसको अच्छा लगता है फिर वो इसको बाकी का खाएगा। साथ ही साथ जो हमने पुदीना जो किया था ना साफ किया था पुदीने की कुछ जड़ें बची, अभी इसको मैं सोच रही हूँ कि बैठ के आग में लगा दूँ। गार्डनर आता है हमारा पर वीक, जो हमारा गार्डनर आता है वो मंथली 4 टाइम्स ही विजिट, तो उसका क्या वेट करना तब तक तो ये सूख जाएंगे। तो अभी मैं इसे खुद ही लगा देती हूँ, चलिए इसको मिलके लगाते हैं, तब तक शीरो को देते हैं खाना। अगर दोबारा शीरो खाते हैं तो उसको खाने में देते हैं। चलिए ट्राई करते हैं खाता है कि नहीं खाता, पूछते हैं। नोनो चिनी शीरो मेरी बच्ची आजा खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले, खा ले, आजा 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 मेरा बेटा आजा आजा। देखो इसका मन बिल्कुल भी नहीं है, इसको बहुत मनाना पड़ता है और कभी कभी तो हाथों से खिलाना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, चॉइस है भाई बच्चे की खाता है कि नहीं खाता, अगर खाएगा तो और देंगे। देखिए कितनी प्यारी बॉटल है शीरो की, ये शीरो की बॉटल है, इसमें पानी फिल करके रख दीजिए, बार बार आपको पानी नहीं फिल करना पड़ेगा, ये इसमें से ही आ जाता है। फ्रेश भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं आप कभी चाहें, हम तो कभी फ्रेश यूज़ कर लेते हैं अगर हमें अच्छा लगे। सो फाइनली मेरे बेटे ने खाना खा लिया है, ये खा रहा है, तब हम इसको थोड़ा और खाना देंगे, देखते हैं कितना खाता है। बच्ची खा ले मेरा बेटा, ये सब यहाँ पे हो रहा है।
एलोवेरा बहुत ज़्यादा है। एलोवेरा दिखा, देखिए ये सारा एलोवेरा है। करी पत्ता मेरे पड़ोसियों का, जब मैं सांभर और कुछ बनाती हूँ तो यहीं से तोड़ती हूँ। ये मेरे रूम का बैक साइड है ना, यहीं से। टमाटर ये सब हमारे गार्डनर ने लगाए हैं। तुलसी हो रही है, सोचिए यहाँ पे उगा लेती हूँ। दो एंट्रेंस है, एक उस साइड से एक इस साइड से। वो देखिए, वो दिख रहा है आपको, छोटा सा एक दिया जल रहा है जहाँ पे, वो पेड़ शनिवार का दिया ना, बरगद या बरगद के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाते हैं और पीपल के पेड़ पर ही दिया जलाते चलते हैं घर। ऐसे दिए बनाए जो चारों दिशाओं में जले, आटे से बनाए थे मैंने, चारों दिशाओं में जलना चाहिए दिए होते हमारे। तो दोस्तों बर्ता हमारा बैगन का बन के रेडी है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरीके से आप भी बनाएंगे ना, सुर्खियां बटोर सकते हैं आप।